हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आप सभी के सामने मैं आज डेटा प्रस्तुत करने वाला हूं कि कितने लाख बच्चों ने सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन के टाइम, याद करो मेन एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, बीएचयू को सबसे ज्यादा पसंद किया था, बीएचयू को चूज किया है या डीयू को चूज किया है या किसी और कॉलेज को चूज किया है, इसको इसका डेटा आपके सामने होना बड़ा जरूरी है ताकि आपको रियल कॉम्पिटिशन पता चल पाए। अगर आप डीयू, बीएचयू या किसी और कॉलेज जो सीयूईटी के अंदर में है उसकी काउंसलिंग कराना चाहते हो और आप अगर तैयारी आपने की है, मार्क्स आपके कितने आए हैं, आप धीरे धीरे आप लोग बता रहे हो हमें, तो आप हमारे चैनल से ये जुड़ सकते हैं। सीयूईटी पॉइंट पे सारा अपडेट हम आपको लगातार आप तक पहुंचाएंगे। सीयूईटी पॉइंट हर एक मोड़ पे आपके साथ खड़ा है। सो सीयूईटी पॉइंट पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि डीयू वाले बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। काउंसलिंग के अलग अलग वीडियोज लेकर के आ रहे हैं, ये आपको काम करना है पहला सब्सक्रिप्शन का। यूनिवर्सिटी ऑफ डेली जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली 26 लाख एप्लीकेशन फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब ये समझो बात, 26 लाख पेपर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, मतलब कोर्सेज में। जैसे एक बच्चा है उसने 3 कोर्सेज सेलेक्ट किए होंगे तो 5 लाख बच्चे अगर ऐसे हैं तो 15 लाख हो गए, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो अलग अलग कोर्सेज में, चूंकि एक बच्चा जो है वो 6 सब्जेक्ट ले सकता था तो कम से कम एक लैंग्वेज तो लेगा, उसके अलावा 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। DU's appeal is attribute its prompt result announcement and students' inclination towards several prestigious DU affiliated college with high NIRF ranking. इनकी high NIRF ranking मतलब NIRF ranking अच्छी है, National Institution Ranking Framework एक आता है, बहुत अच्छी ये यूनिवर्सिटी को ही अच्छा रैंक प्रोवाइड करते हैं। Among the central university that have received the maximum number of applications, DU is followed by BHU, which is the distant second with 8.4 लाख एप्लीकेशंस हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी BBAU जो लखनऊ है उसमें भी 5.1 लाख एप्लीकेशन है, BHU में कितने हैं 8.4 लाख, आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा होगा, ठीक है। इन 2022 द इनॉग्रल ईयर ऑफ CUET DU रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ओवर 6.3 लाख एंड इट वाज क्लोजली फॉलोड बाय BHU। तो अभी भी BHU 8 लाख पे, DU को सबसे ज्यादा पेपर सेलेक्ट किए गए हैं बच्चों के द्वारा। There are three parameters that make DU top choices: quality of teaching, academic administration and timely declaration of result. भारत में ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, खास करके यूपी बिहार के अगर बच्चे हैं तो उनको पता होगा, उनके ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट से वो कर रहे हैं उनके 3-3 साल, 4-4 साल की ग्रेजुएशन, 6-6 साल, 8-8 साल लग जाते हैं कभी कभी, ये सच्चाई है। अब बिहार की यूनिवर्सिटी का कितना बुरा हाल है कभी आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। इट इज वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटी दैट हैव कंडक्टेड 101 कन्वोकेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 100 इयर्स। वैसे भी BHU का भी 100 साल 2016-17 में ही खत्म हो चुका है, अब तो DU से भी ये पुराना है, DU 1922 की है, BHU हमारा 1916 का है। टाइमली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री बूस्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज एक भाई पढ़ाई तो कर लिया, डिग्री तो दे दो, तो ये यहाँ पे मिल जाता है। ऑल द कोर्सेज दैट DU एंजॉय सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी डिसमिसिंग द नोशन दैट DU's appeal to limited economic or English honors program. नहीं, अब बहुत सारे प्रोग्राम है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी, आपको आई बटन पे टैग कर दूंगा, इसको जरूर देखिएगा। He says that English honors journalism, computer science, management courses such as BBA, BB are equally prominent choice of those applying for UG program. तो कुछ पॉपुलर कोर्सेज कौन कौन से हैं, याद रखो CUET के पॉपुलर कॉलेजों में DU टॉप पे है, और उनके DU के अलग अलग कॉलेजों में जो कोर्सेज हैं वो हैं इंग्लिश ऑनर्स, जर्नलिज्म, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट कोर्सेज, बीबी एंड बीबीई, ठीक है। इट्स कैंपस आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज एंड अदर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व्हिच ड्रॉ सेवरल यूपीएससी एस्पिरेंट्स टू प्रिपेयर फॉर वन ऑफ द लॉन्ग टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द कंट्री। अब जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि उनको माहौल मिलता है, डीयू स्पेशली पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत पॉपुलर है इस चीज के लिए। इन द रिसेंटली डिक्लेयर्ड यूपीएससी रिजल्ट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 टू डीयू एलुमनी मेड इट टू द टॉप 5 रैंक। टॉप 5 में 2 DU के स्टूडेंट हैं, 9 ऑफ द टॉप 20 रैंक होल्डर्स इन द 2022 CSE वेयर फ्रॉम कॉलेज एफिलिएटेड विद DU। सेल्फ स्टडी इज अ की फैक्टर इन क्वालिफाइंग द यूपीएससी एग्जाम। तो आप समझ रहे हो ना DU क्यों जाना चाहते हो, इसका एक बहुत बड़ा रीजन यहां दिया हुआ है, क्योंकि टॉप 2 है टॉप 5 में, टॉप 9 बच्चों ने यूपीएससी में क्वालिफाई किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सपोर्टिंग द यूनिवर्सिटी इन इट्स एक्सपेंशन
We have started three engineering programs and government supported us with faculty, staff and funds. Talking about the states, since the maximum number of students to DU, the states contributing to most students DU vary, influenced by factors such as student preferred courses. This is like Rajasthan, UP, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh contribute to the student number. तो सबसे ज़्यादा बच्चों की अगर हम बात करें तो इंक्रीज पार्टिसिपेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट का भी है. इन्फ्लक्स डिपेंड ऑन द स्टेट पॉपुलेशन एंड द विलिंगनेस ऑफ स्टूडेंट्स टू वाई फॉर सीट्स. वाई फॉर मतलब प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन. द इंडक्शन ऑफ CUET इंश्योर फेयरनेस, इन्वाइटिंग ऑल टू एंगेज. एडिशनली स्टूडेंट्स कंसिडर NIRF रैंकिंग ऑफ DU कॉलेज वेन कंपेयरिंग ऑप्शंस, ऑफन फेवरिंग हायर रैंक इंस्टीट्यूशन, सेज गुप्ता. A significant factor that contributes to DU popularity is more than 70,000 seats is over in 70 colleges. हालांकि 70 नहीं, 91 colleges हैं. It is located in national capital and has several affiliated colleges that increases the students admission prospects in UG program. तो ये सारा इसमें बात जो है, talking about BHU, तो BHU popular because of the quality of its faculty and emphasis on research. The university several scientists researching subjects include medicine, agriculture, commerce and social sciences. तो आपको ये भी जानना चाहिए कि BHU में बस तीन चार ही affiliated college हैं, तो ये एक जो आपके पास DU का मौका है DU में पढ़ने का, वो सबसे ज्यादा students पढ़ सकते हैं, admission ले सकते हैं. DU के north campus के cut off कितनी जाएगी अगर आप commit करोगे, तो हम dedicatedly इसके लिए video बनाएंगे और science group के लिए ma'am से भी हमने request किया, वो जल्दी आपके लिए video लेकर के आएंगे. So thank you so much, bye for now.